नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि दखल न्यूज़ के सभी दर्शक सुरक्षित होंगे। कोरोना की इस महामारी ने पूरे विश्व की व्यवस्था को जिस तरह से बदल के रख दिया है और हमारी दिनचर्या को बदल के रख दिया है, हमारे रोज़ के जीने के तरीके को बदल के रख दिया है। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो बदलती दुनिया में हम देखेंगे कि वो बदलाव ही नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बन जाएंगी। जैसे कि स्वच्छता, साफ़ सफाई, सैनिटेशन, ये तो है ही। इसके अलावा हमारे आर्थिक व्यवहार बदलेंगे। जो डिजिटल इंडिया या डिजिटल वर्ल्ड की बात अब तक होती रहती थी और कई बार हम लोगों को लगता था कि नहीं, शायद ये कितना व्यावहारिक होगा, तो अब वो हमारे आम प्रैक्टिस में आ जाएगा, कॉमन प्रैक्टिस में आ जाएगा। इसके अलावा अभी 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, तो रोजगार के क्षेत्र में भी स्वरोजगार का, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का एक नया मॉडल आएगा। बैंक काफ़ी लिबरल होंगे लोन देने के लिए और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो काफ़ी सरल होंगी। तो चूंकि आर्थिक व्यवस्थाएं बदलेंगी तो लोक व्यवहार बदलेगा, जीवन शैली बदलेगी, तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी किसी न किसी तरीके से, हम जिनसे रोज़ प्रभावित रहते हैं भौतिक प्रसाधनों से, तमाम चीज़ों से, वो भी बदलनी शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री जी ने जो बात की उस दिन, जिस तरह से आर्थिक पैकेज की बात की और वित्त मंत्री पूरी टीम के साथ रोज़ जिस तरह से बैठ के समझाती हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक किस्म की राजनीति भी है, अर्थनीति भी है, कूटनीति भी है। चीन को लेकर के खास करके बात करें तो जिस तरह से पूरी दुनिया में एक रोष है और वुहान को केंद्र माना जा रहा है, दुनिया भर की एजेंसी जिस तरह की बात कर रही हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, यूरोप के कुछ देशों में इस तरह की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी का फ्लो है वो भारत की तरफ आएगा। क्योंकि एक तो चीन से अगर भौगोलिक रूप से देखें तो भारत नज़दीक है, भारत का माहौल भी उस तरह से है, यहाँ श्रम, सस्ता श्रम उपलब्ध है। और पिछले दिनों सरकार ने, राज्य सरकारों ने, खास करके कुछ भाजपा की जो सरकार थी उसने, केंद्र की सरकार ने श्रम कानूनों को लचीला बनाया है, तो ये निवेश के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और जब निवेश होगा तो जाहिर सी बात है कि रोजगार के अवसर काफ़ी बढ़ेंगे, तो भारतीय युवाओं के लिए खास करके बड़ी संभावना है। इस कोरोना के बाद जो विश्व की अर्थव्यवस्था बनेगी, विश्व के हालात बनेंगे, इसमें तो प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी बातों में राजनीति तो की ही है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों में जितनी चीज़ें नहीं हो पाई थी वो अब करने का समय है, तो वो ठीक है, राजनीति करनी चाहिए उनको अपने मर्यादा में रह करके, वो ठीक है। लेकिन उसके साथ ही आर्थिक नीति और कूटनीति का भी एक उन्होंने परिचय दिया है। जब उन्होंने कहा कि भारत को विश्व शक्ति बनाने का ये एक बेहतर अवसर है, तो वो है। और जिस तरह से रोज़ हम देख रहे हैं अलग अलग सेक्टर के लिए, MSME के लिए, बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए, कॉरपोरेट हाउसेस के लिए, इंक सेक्टर के लिए और हर किसी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ उस आर्थिक पैकेज में निकल रहा है, तो ये एक बड़ा अवसर है। इसका फ़ायदा भारत को उठाना चाहिए और पूरी दुनिया में भारत अपनी ताकत स्थापित कर सकता है इसके जरिए, ये इसके लिए एक बेहतर मौका है। तो हम सब इस मौके का लाभ उठाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि सुरक्षित रहें। दखल न्यूज़ पे भी आप लगातार देख रहे होंगे कि सुरक्षित रहने के क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे स्वच्छता अपनानी है, इन सब का पालन करें और जितना हो सके कम से कम ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचें जिनके ऊपर थोड़ा सा भी संदेह हो। और दखल न्यूज़ देखते रहिए और जानकारी से अपडेट रहिए। धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।